ठीक है, ये बीटेक समुदाय का मामला है, इम्प्लीमेंटेशन चलेगी, ठीक है। ये संगठन भी एक रेगुलर ग्रुपों में, जो BSPHCL ही नहीं, आने वाले सभी भविष्य को देखेंगे। जो लोग लगता है कि मैं संगठन में एक बेहतर पद पर रहकर और अपनी जिम्मेवारी निर्वाह कर सकता हूँ, वो स्वेच्छा से अपने पद तक बताए। ये प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, इसलिए बंद हो। ठीक है, आपको अगर उचित लगता है तो कीजिए, और बंद कर दिए पूरा एकदम स्ट्राइक। एक टीचर नहीं जाएगा, डायरेक्टर को आना पड़ेगा मीटिंग में। आइए, आप नहीं आइएगा तो अभी सब शीशा सब फोड़ उड़ के तैयार कर देंगे दो मिनट में। इतना करने के बावजूद भी फिर सामने हम ही लोग को बुला के, अरे तुम ही लोग तो हो, 5000 रुपया दीजिए ना, संगठन बुलाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा आज तकनीकी छात्र संगठन द्वारा बुद्धा पार के निकट महाराजा कामेश्वर कम्प्लेक्स में मीटिंग संपन्न हुआ, जिसके कुछ बातें इस प्रकार है। यह मीटिंग BSPHCL के रिगार्डिंग था। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इस मीटिंग में तकनीकी छात्र संघ के नेता सौरभ पटेल जी, आयुष जी, दीपक जी, सुष्मिता जी और विशाल जी के अगुवाई में संपन्न हुआ। इस मीटिंग की कुछ बातें जो सामने उभर के आई है वो इस प्रकार है। ये संगठन हमेशा छात्र की भलाई के लिए काम करता रहेगा। पॉइंट नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। हाईकोर्ट ने बीटेक वालों को अलाउड करने के बाद भी अभी तक BSPHCL ने बीटेक वालों को फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और लिंक एक्टिवेट करने के लिए तकनीकी छात्र संगठन ने कई टीम तैयार कर लिया है। जो उस टीम का क्या फंक्शन होगा, क्या कार्य होगा, मैं पब्लिकली बताना अच्छा नहीं समझता हूँ। पॉइंट नंबर थ्री, अब BSPHCL में फंडिंग या डोनेट करने के लिए ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा। आप ज्वाइंट अकाउंट में ही पैसा डोनेट करें। जो स्टूडेंट BSPHCL के लिए सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भूतनाथ रोड शनि मंदिर के पास आए और प्रैक्टिस करें। मैं तकनीकी छात्र संगठन की ओर से अमित कुमार सिंह।